हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल फिरोज, आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज यहाँ पर मैं आपको MI रेडमी 5 एरिवा जो हैंडसेट होता है उसका मैं आपको यहाँ पे टच सप्लाई और उसकी कुछ नॉलेज देने वाला हूँ कि उसमें कौन सी सप्लाई होती है और उसमें क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टच अगर काम नहीं कर रहा है तो किस तरह से आपको सारी सप्लाईयों को चेक करना है। तो अगर आप एक इसके बारे में अगर से प्रॉपर जान दोगे तो आप दूसरे किसी भी हैंडसेट में इसी तरह से सप्लाईयों को चेक करके, उसके कंपोनेंट को चेक करके आप उसे रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जैसा कि देख रहे हैं, ये MI 5A का हैंडसेट है और यहाँ पे इसका बैक साइड है जो कि बी साइड बोलते हैं पोर्ट का, और ये मेरे पास ए साइड। तो ए साइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे CPU लगा है MSM8917 और एक EMMC है और एक पावर IC लगी है 8937। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इस साइड में जो अगर बी साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसका जो टच कनेक्टर है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसका टच कनेक्टर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 10 पिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे नीचे 5 पिन और ऊपर 5 पिन हैं, जिसमें से फ्रेंड्स इसमें से 5 ग्राउंड पिने हैं और 5 जो पिन हैं उसकी सप्लाई वाली पिन है। तो इसे किस तरह से आपको चेक करना है, कौन सी लाइन होती है इसके अंदर, मैं यहाँ पे आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको 6 पिन का अगर कनेक्टर मिलता है तब भी आपको यही सप्लाई होगी। अगर 6 पिन से बढ़ के अगर 10 पिन, 8 पिन, 15 पिन जो भी आपको सप्लाई मिले तो उसमें 5 पिन आपकी वर्किंग पिन होगी, सप्लाई वाली पिन होगी, जिसमें वोल्टेजेस मिलेंगे आपको, जिसमें आपको डाटा मिलेगा, जिसके अंदर क्लॉक की सप्लाई मिलेगी, जिसमें आपको उसका INT जो होती है वो उसकी सप्लाई मिलेगी, उसकी रीसेट वाली सप्लाई मिलेगी, और एक में आपको VREC करके जो सप्लाई होती है वो मिलेगी। तो इसके बारे में आपको अगर पूरा देखना है, पूरा जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो 10 पिन का कनेक्टर है, इसमें से 5 पिन ग्राउंड है, और इसमें कौन सी ग्राउंड है और कौन सी सप्लाई की पिन है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टच कनेक्टर में जब भी अगर आपको सप्लाई चेक करना है तो आपको ये सप्लाई मिलेगी, एक I2C लाइन जो होती है। दोस्तों, हर मोबाइल के अंदर कुछ ICयां होती हैं जिसके अंदर I2C लाइन होती हैं। ये I2C जो लाइन होती हैं ये सीधा डायरेक्ट CPU से आती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसमें आपको सिग्नल मिलेगा और साथ ही साथ वोल्टेजेस भी देखने को मिल सकते हैं और वोल्टेजेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे तो पहली सप्लाई का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं I2C SCL का मतलब होता है सीरियल क्लॉक। तो ये I2C लाइन जो होती है CPU से डायरेक्ट आती हैं, जो कि सीरियल क्लॉक लाइन है। और दूसरी सप्लाई I2C में ही एक और सप्लाई आती है SDA, सीरियल डाटा। ये डाटा की लाइन जो होती हैं ये भी आपको सीधा CPU से आती हैं। VREC LDO 10 और 2.8 का मतलब होता है 2P8 का मतलब होता है 2.8 की सप्लाई होती है, जिसे VDD की सप्लाई बोलते हैं। जो कि आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर जो दिख रहा है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको वो सप्लाई मिलेगी 2.8 की। वैसे अभी मैं आपको आगे बताऊँगा, यहाँ पे एक सप्लाई मिलेगी INTN और एक सप्लाई मिलेगी रीसेट की एक सप्लाई मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 यहाँ पे टोटल सप्लाई मिल रही हैं, जिसमें से एक जो है 2.8 है और बाकी के 4 में आपको रेजिस्टेंस भी मिलेगा, 5ों में रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन एक पे 2.8 वोल्ट मिलेगा और बाकी के सब में 1.7-1.8 के आसपास आपको वोल्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको 6 पिन है और 6 में से समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पिन है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर टच करते हैं SCL वाली लाइन को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं I2C क्लॉक वाली लाइन को टच कर रहा हूँ और यहाँ पे जो दो नंबर वाला हमारा, आप देख सकते हैं पॉइंट, यहाँ पे दो नंबर वाला हमारा SCL वाला इसका पिन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सीरियल डाटा की, तो यहाँ पे डाटा पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर पर जा चुका है। ये बता रहा है कि 3 नंबर पर आपको इसका डाटा वाली पिन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2.8 वोल्ट जो कि पावर IC से आता है,
तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में ये देखिए, ये देख सकते हैं, सॉरी ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे आपको चार नंबर वाली पिन पे आपको ये 2.8 वोल्ट मिलेगा इसमें। यहाँ पे फाइव चार नंबर वाली पिन पे 2.8 वोल्ट मिलेगा। और अगर उसमें यहाँ पे INT की सप्लाई बताऊँ आपको तो ये सप्लाई मिलेगी यहाँ पे ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.8 यहाँ से ऊपर से, यानी 5, 6, 7 नंबर पिन पे आपको मिलेगी INT की सप्लाई। अगर मैं बात करूँ रीसेट की, जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं आप 6, 7, 8, 9 नंबर पिन पे आपको यहाँ पे रीसेट की सप्लाई मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको देखना है डिटेल में तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको किसके साथ कौन से कंपोनेंट लगे हैं। तो जैसा मैं बात करूँ आपको, तो मैं जैसे ही सीरियल क्लॉक, ये देखिए जैसा कि मैं यहाँ देख बता सकता हूँ आपको, सीरियल क्लॉक पर टिक चेक लगाऊंगा तो यहाँ पे ए साइड में आप देख सकते हैं ये सीरियल क्लॉक जो है सीधा CPU से आता है। और ये जैसे कि यहाँ पे सारे कंपोनेंट लगे हैं इसके बिल्कुल बैक साइड में, बैक साइड में यहाँ पे इसके टेस्ट पॉइंट दे दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे 5 सप्लाई दे दी गई है, क्योंकि छठवा जो होगा वो ग्राउंड होता है इसीलिए यहाँ पे सप्लाई दे दी गई है। तो यहाँ से भी आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं सीरियल क्लॉक की, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन यहाँ पे सीरियल क्लॉक पे है। सीरियल क्लॉक जो सप्लाई होती है वो सीधा CPU से निकलती है। यहाँ पावर ऐसी लगी है, यहाँ से कुछ कनेक्शन नहीं है SCL SDA लाइन का, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पावर CPU के अंदर कनेक्शन है। और सीधा यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप एक डायोड लगा है, इस यहाँ पे देख सकते हैं डायोड लगा है, डायोड से सीधा ये सप्लाई जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ डायोड से सीधा ये 2 नंबर वाली पिन पर चला गया है। तो यहाँ पे सीरियल क्लॉक जो है हमारा आ रहा है 2 नंबर पिन पे। चलिए मैं इसको बैक जाता हूँ और चलिए अभी SDA सिस्टम डाटा सीरियल डाटा वाली लाइन पे चेक लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे अब, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल डाटा भी CPU से निकलता है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है 1 नंबर पिन जो देख सकते हैं। और उसके बाद ये सीधा जाता है इस डायोड पे और डायोड से जाता है सीधा, यहाँ पे थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं आपको, जैसा कि आप देख सकते हैं जो SDA वाली लाइन है यहाँ पे सेकंड पे ग्रीन लाइन लगी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये सीधा जाता है दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर पिन पे। और इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊँ, इससे थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ और ये CPU से सीधा इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए यहाँ टेस्ट पॉइंट दे दिया गया है और सीधा यहाँ आएगा ये इस डायोड के थ्रू और यहाँ पे। और चलिए अब हम बात करते हैं सीधा 2.8 वोल्ट जो आता है कहाँ से आता है। जैसा कि यहाँ मैं क्लिक करूँगा, आप यहाँ नोटिस करिए यहाँ पर ये पावर IC पर ब्लिंक करेगा। देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ पे टिक लगाया और यहाँ पे देखिए पावर IC पे क्लिक हो गया है यहाँ पे, और इसके जो कंपोनेंट दे दिए गए हैं यहाँ पे कुछ कंपोनेंट दे दिए गए हैं, जैसा देख सकते हैं कैपेसिटर और यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है। इसके बाद ये सीधा गया है इस बी साइड बोर्ड में यहाँ पर इस डायोड पर। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा मैं आपको जूम करता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायोड से होते हुए सीधा इस वाली 4 नंबर पिन पे आपको 2.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताते हैं INT देखते हैं कहाँ पे जाता है सीधा। तो सीधा INT जो होता है दोस्तों ये भी सीधा CPU से लाइन आती है, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल होता है और यहाँ से निकल के इस वाले टेस्ट पॉइंट पे देख सकते हैं यहाँ इसका टेस्ट पॉइंट दे दिया गया। और यहाँ पे इसका डायोड, चलिए इसको भी जूम करके बताता हूँ मैं, यहाँ देख सकते हैं आप इस डायोड से होते हुए यहाँ जाएगा ये 6 नंबर पिन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 नंबर पिन पर इसका INT मिलेगा। चलिए इसके बाद मैं फिर से इसको जूम आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम अब क्लिक करने वाले हैं INT रीसेट। जैसे मैं रीसेट को क्लिक करता हूँ तो ये सप्लाई भी जो होती है सिग्नल वाली सप्लाई होती है रीसेट की, और यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट दे दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और रीसेट आपको जाएगा सीधा इस डायोड के थ्रू होते हुए वो जाएगा, जैसा कि मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ आपको,
इस डायोड से होते हुए फ्रंट से ये जाएगा सीधा यहाँ पे 9 नंबर की पिन पे, और बाकी के जितने भी पिन हैं इसके ये सारे इसके ग्राउंड पिन है। तो दोस्तों ये सोल्यूशन है आपको MI फाइव हैंडसेट का। तो ये सारी सप्लाई होती हैं इसकी, I2C लाइन होती है, क्या होती हैं SDSCL क्या होती हैं, VREC क्या होता है, 2.8 वोल्टेज क्यों यहाँ पे आ रहा है, INQ और रीसेट क्यों यहाँ से, सारी सप्लाई CPU से आ रही है, एक सप्लाई पावर से क्यों आ रही है। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर जानना है तो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।